वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। आज का जो दोस्तों ब्लॉग बनने वाला है, महापुर का एक वाटर पार्क है। महापुर से आप थोड़ा सा अंदर घुसिएगा, आपको कोई कहीं भी पूछ वहाँ से बोर्ड से पूछ कर आप पता कर सकते हैं। यहाँ अंदर देखिए, ये वाटर पार्क है, छोटा वाटर पार्क है, काफ़ी खूबसूरत है। चलिए आपको इसका अंदर का हम नज़ारा दिखाते हैं और हम भी यहाँ पर नहाएंगे क्योंकि धूप ज़्यादा है दोस्तों, आप जानते हैं। चलिए नज़ारा दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो वाटर पार्क के अंदर हम लोग आ चुके हैं लोग, और ये देखिए मोटका नहाते हुए, ये देख लीजिए, ये देखिए इसको काफ़ी ज़्यादा आनंद ले रहा है ये। अभी हम लोग भी आएंगे लोग, ये देख सकते हैं पूरा खाली है वाटर पार्क, और यहाँ भाई लोग जा रहे हैं लोग स्टंट करने, देख रहे हैं यहाँ पे करीब 10 फीट से ऊपर है, यहाँ से स्टंट मारेंगे भाई साहब। मारा भाई, मारा एगो, ये देख लीजिए बिल्कुल मोटे के बगल में गिरे है भाई साहब। तो चलिए हम भी अब दिखाते हैं घूम के। तो दोस्तों आपने देखा ये महापुर का जो वाटर पार्क है बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लड़के आए हुए हैं नहाने के लिए। और आप भी चाहते हैं यहाँ पे आके नहाने का मज़ा ले। यहाँ पे टिकट है 40 रुपये, लेकिन आपको डिस्काउंट में 30 रुपये ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे फिसलन ज़्यादा है, फिसल सकता है, आप गिर सकते हैं। और यहाँ के जो मालिक है उन्होंने कहा कि थोड़ा वीडियो बना के वायरल किया जाए, उनका भी सपोर्ट किया जाए। आप देख सकते हैं कैसे भीड़ लगी है यहाँ पर। आपको ये अंदर में मिलेगा, लगभग अंदर में सिवान से पड़ेगा आपको 8 किलोमीटर। आइए दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो चाचा बताइए यहाँ पे क्या क्या सुविधा है और कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है? 7 बजे खुलता है, 6 बजे बंद हो जाता है शाम को। डेली खुलता है ना? हाँ, डेली खुलता है। खाने पीने का व्यवस्था क्या क्या है यहाँ? खाने पीने का ये कुरकुरा वुरकुरा ये सब बच्चा लोग को भी चाहिए, वो बिस्कुट विस्कुट मिल जाता है, सब मिल जाएगा। हाँ बढ़िया है, ठीक है चाचा। हाँ दिखाते रहेंगे आपको। और यहाँ पे लॉकर का व्यवस्था भी है बढ़िया? हाँ लॉकर का भी व्यवस्था, ठंडा पानी भी मिलता है नहाने के लिए? हाँ ठंडा पानी हमेशा मिलेगा, पानी हमेशा एकदम साफ मिलता है, वो तो देखे हैं लोग, साफ है, बढ़िया पानी है। ठीक है चाचा, आप बताइएगा नहा कैसा लगा आपको? देखिए नहाने के लिए हम लोग को सबसे जरूरत है साफ पानी का, यहाँ पर साफ पानी है, साफ पानी लोग मांगते हैं, तो यहाँ पर साफ पानी और गहराई भी अच्छा है, दो साइड में बच्चे के लिए भी है, बच्चे भी आकर उस साइड नहा सकता है, और गहराई वाला इधर भी साफ पानी है, ऊपर से आप कूद भी सकते हैं, कोई चोट नहीं लग रहा है। और अभी जो है कि भीड़ कम है लेकिन बहुत अच्छा है। उम्मीद करते होंगे जी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पहुँचिए लोग, अभी गर्मी कुछ दिन तक है तो उसका आनंद लीजिए लोग, और इस जो वाटर पार्क है इसको भी जाके आप लोग वायरल कीजिए लोग, इतना ही मेरा कहना है। तो ये भीषण जो गर्मी है ये ख़त्म होने वाला है नहीं, आप लोग इंतजार में है कि बरसात आएगा, अब आएगा अब आएगा, लेकिन बरसात होगा नहीं अभी क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब है, ये जो पेड़ पौधे के चलते गर्मी बढ़ते जा रहा है। इसके लिए आप आके यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, नहा सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग का जगह भी है और काफ़ी खुले में है, शानदार हवा भी मिलता है यहाँ पर आपको, और कुछ ही दिनों में यहाँ का रोड भी बन जाएगा जिसके आने में आपको सुविधा मिलेगा। अभी तो फिलहाल थोड़ा दिक्कत है रोड का, लेकिन रोड बन जाएगा कुछ दिन में, लगभग 10-20 दिन बन जाएगा तो अच्छा व्यवस्था हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब चलते हैं अपने घर की तरफ, काफ़ी लेट हो चुका है, 10 बज गया है, लेट जाने पे भी दिक्कत है, घर में भी कुछ काम धाम है। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय, गुड बाय।